सो गाइस हमारे घर में आई है न्यू मशीन और कार्डबोर्ड मेरे काम का है। वाह पापा ये तो सेम ही कलर देखा ना सर्फ फ्री मिला इसके साथ सर्फ सबके साथ फ्री मिलता है ठीक है। ये क्या है ये कितना अच्छा लग रहा है इसका। ये पता क्यों है? ताकि पानी बाहर ना आए। चलो सही है। क्या क्या इसमें सिस्टम है देखो वो दिखाओ इसने दिखा तो दिया ये कुछ तो ये इतना क्या है ये क्या है ये कुछ है ये कपड़े सूखने का है और क्या यही तो होते हैं। ये एरियल का आया हमारे साथ पहले भी आया था। सो गाइस बहुत ही अच्छी मशीन लग रही है देखने में तो वर्लपूल की। और रीज़न क्या है न्यू लेने का जो हमारी पहली मशीन थी ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हेयर कंपनी की थी और बार बार ख़राब हो जाती थी और उसका जो मॉडल है ना उसका इजीली सामान भी नहीं मिल पाता था क्योंकि सब मतलब जिनसे भी हमने कॉन्टैक्ट किया सबने बोला कि इस कंपनी का ना सामान बनना ही बंद हो गया है इस वजह से हमें लेनी। सो गाइज ये है हमारी पुरानी मशीन जो कर रही है हमें बाय बाय नए साल पर और नई मशीन आ जाएगी और ये ना बिल्कुल बेकार हो चुकी। सो गाइज ये है हमारी पुरानी मशीन और अब और ये है हमारी न्यू मशीन। किसके यूट्यूब की कमाई से मशीन खरीद ली यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रही है इनकी कमाई आ गई। देखो इनकी बात मजाक ले रहे हैं मेरा देखो भाई काश ऐसा होगा कभी ऐसा होगा कि मेरी यूट्यूब से इनकम आएगी और मैं मशीन खरीद के दिखाऊंगी। मशीन खरीद के दिखाऊंगी तुम्हें और वो भी ऑटोमेटिक। नहीं मशीन नहीं खरीदेंगे नहीं अभी इन्होंने मुझे चैलेंज किया है कह रहे हैं यूट्यूब की कमाई से देखो उसकी मशीन आ गई है मजाक ले रहे हैं ना। तो अब ऐसा है ना जिस दिन आएगी ना यूट्यूब से कमाई तो ऑटोमेटिक लूंगी और वो रहेगी हमारे बाहर वाले बाथरूम में उससे जब हमें मन करेगा ना ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक कपड़े धोएंगे। तो गाइस जल्दी से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कर दो और व्यूज भी बढ़ा दो जिससे कि मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद पाऊं। सो गाइस यहाँ पर सेट हो गई है हमारी मशीन और ये इस तरह से भी हो सकती है इधर की साइड को भी हो सकती है ऐसा कर दो ना। हाँ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस हमारी आई है न्यू मशीन कोई नहीं है दिक्कत और यहाँ पर रखेंगे हम अब डिसाइड करते हैं कि किधर की साइड रखे हाँ वही प्रॉब्लम है ऐसे नहीं रख सकते ना क्योंकि ड्रेन जो हमारी यहाँ नाली है ना वो इधर है तो इधर ही रखना पड़ेगा हमें नहीं तो इधर की साइड इजीली आ जाता। कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि इस पाइप जुड़ जाए इसके अंदर दूसरा पाइप आ जाए नहीं ड्रेन में कैसे जुड़ेगा क्योंकि ये है ना अगर मान लो लंबा ये हो जाए ना फंसा के तो इसमें आ जाए और वहां रख के ना जगह बहुत ज्यादा बच जाती है इस तरह से रख के और इस तरह से जगह बहुत ज्यादा खराब होती है और मैं दिखाती हूँ आपको कुछ इस तरह से ये और 5 ईयर वारंटी भी मिली है और वो सभी के साथ मिलती है पहली वाली मशीन के साथ भी थी लेकिन ये 5 साल तक तो इनका कुछ बिगड़ता नहीं है और जैसे ही 5 साल कंप्लीट होता है ना ये खुद ही खराब होने लगती है पता नहीं क्या रीजन है। तो इसके साथ मिला है ये वाला पाइप नया पाइप और एक एरियल मिला है उसका हमें और ये मिला है
इसको भी मैं बहुत कम यूज करती हूँ, जब ज्यादा कपड़े होते हैं तब यूज होता है। पहली वाली मशीन का भी ऊपर रखा है, ये ड्रायर वाला है ना, हाँ पहली वाली मशीन का भी रखा है, वो जिसको देंगे ना उसको दे दे। देखो ध्यान करना पड़ेगा, ये लगेगा नहीं तो, ये इसमें पता क्या चेंज है, टूट जाएगा। जो हमारी पुरानी मशीन थी वो ऊपर की साइड को खुलता था और ये इस साइड में खुलता है, इधर खुलता है देखो ये, और यही दिक्कत हुई थी उसका, ये टूट गया था और वो कहीं भी नहीं मिला था, तो ये नहीं तोड़ना। अब इसमें ये भी इधर कोई खुलता है यार, ये देखो माय गॉड। और इसको ऐसे लगा देते हैं, कैसे लगाते हैं इस तरह अंदर फंसा के, ओ ऐसे, तो जिसे कपड़े इधर इधर ना फंस जाए तो ये लगाया जाता है। हालांकि हम इसे कभी भी यूज नहीं करते, पहले वाला भी ऐसे का ऐसे ही रखा है, इसे गेम खेलेंगे उड़न तस्तरी, उड़ जाएगा वाकई में। तो यहाँ चल रही है सेटिंग मशीन की। सो गाइज यही था हमारा मशीन का रिव्यू, और कल को धोएंगे हम कपड़े, और फिर जब कपड़े धोऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद ही मैं व्लॉग दूंगी, तब बताऊंगी कैसी मशीन है। और कितने किलो की है ये? 8 किलो की है, दिखाती हूँ। 8 kg है ये, और इसमें बजर है। ड्रेन का कौन सा भाई, ये कौन सा है? लिखा नहीं है फैब्रिक, फैब्रिक टाइप है ये, तो जो भी आपको धोना है नॉर्मल पर, हैवी पर, मतलब जैसे हाँ। सर्दियों में हैवी कपड़े रहते हैं हाँ। और ये है 5 मिनट 10 मिनट, ये बजर है, पूरा बजर दिया हुआ है, हाँ हाँ बजर है ना, वॉश टाइम का, जितने भी आप टाइम भरना है। ये वॉश और ड्रेन है यहाँ से, और ये क्या है, ये इसका है शायद ड्रायर का है, ये ड्रायर टाइमर है, ये जितना भी आपको चलाना है इस तरह से। और यहाँ से देखो पानी भर रहा जा रहा है, और मुझे लग रहा है इनका इरादा ये है कि अभी कपड़े भी धो के देख लो, है ना है ना, तो हमारे साहब का इरादा है कि अभी कपड़े भी धो के जल्दी से देख लो, और बेडशीट तैयार है ये, इतनी एक्साइटमेंट लो, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि कपड़े धो के देख लो तुरंत। अच्छा धोते हैं हाँ। और इसका ना सबसे प्यारा जो लग रहा है वो ये है, तोड़ मत देना, पहले वाला भी ऐसे ही बेचारा खराब हो गया। अरे ये वर्लपूल, वर्लपूल थी ये, तो ये सॉरी ये वर्लपूल है, और वो हेयर कंपनी की थी। वर्लपूल। सो गाइस आज हमारे घर में आई है वर्लपूल मशीन, और हम बहुत खुश हैं नए साल पे, ये हमारे नए साल का सरप्राइज है। ये देखो तेरे पापा सबसे ज्यादा खुश हैं, कल को कपड़े धोने हैं सुबह को उठ के, जल्दी जल्दी सब नहा लो है ना। ओह माय गॉड फ्लड आ गया, फ्लड फ्लड आ गया, देखो ये क्या काम करा है इन्होंने, हमारे घर में फ्लड आ गया गाइस। इतना एक्साइटेड मत हो, इसे ऊपर तो कर देते, ये यहाँ डाल दिया नीचे पाइप। तो गाइज आज बना रहे हैं मोमोज, ये है मोमोज की पिट्टी, आटा, और ये इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से रेडी है, तो ये इस तरह से बन जाता है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपके रेडी हो जाएंगे। आप पलट के देख सकते हैं, ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है। ये है मोमोज की चटनी चटनी तो ठीक लग रही है। सो गाइज आज बना रहे हैं मोमोज, और ये है मोमोज की पिट्ठी, और ये है आटा, ये है मोमोज, और दिखाती हूँ मैं, ये बन रहे हैं यम्मी यम्मी मोमोज, और ये बनाए थे इसने आने माइक्रोवेव में, जल्दी से मैं इसको भी रख देती हूँ। ये है मोमोज की चटनी, यहाँ बन गए हैं मोमोज बहुत सारे। ए कोरोना के टीके लगवा लियो, ए लिल्लू बिल्लू, ए मंजू अंजू रीना, कोरोना के टीके लगवा लियो, आधार कार्ड ले आओ फटाफट, आ जाओ, बन जा रही डॉक्टर, अरे मैडम।